Welcome to my YouTube channel Study Shiv Vikrati 2. So since a very long time we were saying that कि हम जो है MCQ series शुरू करेंगे, तो ये MCQ series का आपका third part because I have already made एक मैंने video जो है अभी तक history के लिए upload किया था and one we have already done for our political science. This is the time that we need to do for our history chapter 2. ठीक है, तो just a second, let me have a pen. Before starting our main video, just wanted to tell you in case you wanted to ask me anything related to your study, तो यहाँ पे मेरा Instagram handle आ रहा होगा, you can simply text to me. Second thing is that Studyship is starting its crash course, तो यहाँ पे हम एक poster यहाँ display करेंगे, तो you can just check out. We are taking registration for it from 15th of October. और सबसे बढ़िया बात ये है कि इस बार Studyship का crash course बहुत ही ज़्यादा advanced है. Like हम digital notes से लेकर आपको sample papers, MCQ, question bank सब कुछ प्रोवाइड कराने वाले हैं. दिस इज फॉर टर्म वन एंड टर्म टू एज वेल. 15th ऑफ अक्टूबर तक द पोर्टल विल बी प्रिपेयर्ड. तो आप वेबसाइट पर जाकर चेकआउट कर सकते हो, रिव्यूज देख सकते हो हमारे एक्स स्टूडेंट्स के, मैं जो आपको प्रोवाइड करने वाले हूँ, एवरीथिंग यू विल गेट इनटू दैट वन. सो इट्स गोइंग टू बी लॉट ऑफ फन. लेट्स गेट स्टार्टेड विद आवर मेन वीडियो. तो देखो, वैसे तो 30 MCQs होते हैं चैप्टर 2 में, बट व्हाट आई एम गोना डू इज दैट किंग फार्मर्स एंड टाउन्स ये वाला चैप्टर हम करने वाले हैं. एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली दैट आई नीड टू डू हियर इज दैट कि वी वॉन्ट डू 30. ठीक है, मैं 15 आपको एक्सप्लेन करती हूँ. एक बात हमेशा याद है कि क्योंकि मैं बताती हूँ कि एक्सप्लेनेशन इज इम्पॉर्टेंट फॉर MCQs वाला थिंग, बिकॉज अगर जैसे कि मैंने क्वेश्चन दिया यहाँ पे और डायरेक्ट हम टिक कर देंगे, दैट वुड बी लिटिल बिट कन्फ्यूजिंग फॉर यू ऑल. मतलब ऐसा आपको फिर हमेशा याद नहीं रहेगा. तो एक्सप्लेनेशन इज इम्पॉर्टेंट. और मैं 15 इसलिए करती हूँ कि बहुत सारे बच्चे कहते हैं अरे दीदी आप तो सारे एक्सप्लेन कर देते हो, थोड़ा लंबा हो जाता है. So if you want me to explain the full MCQ, you can tell me the comment section. Otherwise, let's continue here. So the very first thing here is that who was known as Devan PRSC? ये एकदम chapter के starting में ही है, and I hope that you should know about it. जो देवनम PRSC जो है, वो वर्धमान महावीर थे, चंद्रगुप्त मौर्य, गौतम बुद्ध और किंग अशोक. So remember all the inscription we found in all over India. वहाँ पे एक देवन प्रिय पियादस्ती करके जो है वर्ड मिलता है हमको, दैट इज यूज्ड फॉर नन अनदर देन किंग अशोक. ठीक है, तो डी जो है आपका यहाँ पे बिल्कुल सही होगा. लेट्स गो फॉर नेक्स्ट वन. सेकंड इज कौटिल्य अर्थशास्त्र इज अ बुक ऑन. अच्छा, ये जो अर्थशास्त्र है ये किताब किसके ऊपर है? इकोनॉमिक रिलेशंस, प्रिंसिपल एंड प्रैक्टिसेस ऑफ स्टेट क्राफ्ट, फॉरेन पॉलिसी और ड्यूटीज ऑफ अ किंग. सो कौटिल्य अर्थशास्त्र जो है वो किताब है प्रिंसिपल एंड प्रैक्टिसेस ऑफ स्टेट क्राफ्ट. ये लाइक एक असल राज्य जो है वो कैसे बनता है, राज्य में जो नीतियां हैं वो क्या लाई जाती हैं, दैट व्हाट इट इज. एक बात याद रखिएगा, कौटिल्य, चाणक्य, जब भी हम ऐसे बात करते हैं तो वी आर टॉकिंग अबाउट वन पर्सन, बिकॉज ना बहुत सारे बच्चे ऐसे कन्फ्यूज हो जाते हैं कि भैया कौटिल्य अलग थे, चाणक्य अलग थे. तो काफ़ी ईजी है, यू शुड रिमेम्बर. थर्ड देखते हैं, टू विच डायनेस्टी डिड अशोक बिलोंग. अशोक किस डायनेस्टी से था? सातवाहन, किशान, मौर्य और गुप्त. तो देखिए, जो अशोक है वो डायनेस्टी से थे, सी दैट इज मौर्य. सो इट इज द राइट वन. और हाँ, अगर आपको इस PDF का लिंक चाहिए हो तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दूंगी. यू कैन सिंपली विजिट टू माई वेबसाइट एंड वहां से आप डाउनलोड कर सकते हो. ठीक है, फोर्थ वन इज गोइंग टू बी मेगस्थनीज द कंपोजर ऑफ इंडिका बॉज. ए ग्रीक एम्बेसडर, बी चाइनीज पिलग्रिम और सी इजिप्टियन ट्रैवलर. मेगस्थनीज इंडिका का कंपोजर था, तो वो मतलब क्या था? ग्रीक एम्बेसडर था, चाइनीज पिलग्रिम था, ईरानियन स्कॉलर था. यू मस्ट रिमेंबर ही वॉज अ ग्रीक एम्बेसडर. एम्बेसडर बेसिकली इन ऑर्डर टू बिल्ड रिलेशनशिप बिटवीन द डायनेस्टीज, एक ऐसे अपना रिप्रेजेंटेटिव भेजा करते थे दूसरे कंट्री में. जैसे आज भी होता है, यू नो दैट UPSC के थ्रू IAS, IFS वगैरह होते हैं, IFS इंडियन फॉरेन सर्विस. लाइक इन एवरी कंट्री वी हैव आर ऑफिसर इन ऑर्डर टू बिल्ड अप द रिलेशन विद दैट कंट्री एज वेल एज टू प्रोवाइड द सपोर्ट ऑफ आर सिटीजन्स हु आर सेटल डाउन इन अदर कंट्रीज. ठीक है, तो ए इज द राइट आंसर. फिफ्थ देखते हैं हम, स्पेशल ऑफिसर्स अपॉइंटेड बाय अशोका टू स्प्रेड द मैसेज ऑफ धम्मा वर कॉल. इनको क्या बोला करते थे? ये राजूप थे, धम्म शर्मा थे, कुमार अमत थे एंड धम्म महामत्ता. स्पेशल ऑफिसर्स धम्मा को फैलाने के लिए अपॉइंट किए गए थे अशोक से
और ये थे धम्म महामत्ता। धम्म क्या है डू लेट मी नो कमेंट सेक्शन। अगर आपने चैप्टर पढ़ा होगा देन डेफिनेटली आपको जो है इसके बारे में पता ही होगा। सिक्स्थ देखते हैं द प्रयाग प्रशस्ति अलाहाबाद इंस्क्रिप्शन, ये किसने कंपोज की थी? विशक दत्ता, उपा गुप्ता, हरिसेन और अश्व खोसला। तो इफ यू रिमेम्बर सिंस वी आर टॉकिंग अबाउट द प्रयाग प्रशस्ति एंड प्रशस्ति इज वॉट कम्पोज इन द प्रेज ऑफ गुप्ता रूलर्स, सो हियर इट इज द राइट आंसर हरिसेन। ठीक है, उपा गुप्ता मत कर देना क्योंकि प्रशस्ति गुप्ता रूलर्स की प्रशंसा में बनाई गई थी। ठीक है, इट्स अ काइंड ऑफ अ प्रशंसा, सब अच्छा अच्छा होता था राजाओं के बारे में। ये हरिसेन थे कोर्ट पोएट जिन्होंने इसको लिखा था। अलाहाबाद इंस्क्रिप्शन भी बोल सकते हैं आप इसको, प्रयाग प्रशस्ति भी बोल सकते हैं, दोनों ही सही होंगे। द फेमस सुदर्शन लेक इज लोकेटेड इन विच स्टेट? सुदर्शन लेक से रिलेटेड ना एक आपको सोट भी प्रोवाइड है बुक में, सो इफ यू विल सी इट केयरफुली विल गेट टू नो दैट की जो सुदर्शन लेक है दिस वॉज लोकेटेड इन गुजरात, महाराष्ट्र, बिहार एंड आंध्र प्रदेश। एक तरीका बताती हूँ आपको, जब भी आपको ऐसे आंसर देना हो तो प्लीज ट्राई टू पॉज दिस वीडियो देन गो अहेड। पॉजिंग से क्या होता है ना कि यू गेट एन आइडिया, आप कॉमेंट सेक्शन में दोगे तो फिर आपको एक बार चेक करने का मिल जाएगा टाइम के लाइक हाउ मच यू नो और आप कितने सही दे रहे हो यहाँ पे। बाकी आंसर शीट लेटर प्रोवाइडेड है, वो भी चेक कर सकते हो, नो प्रॉब्लम। फेमस सुदर्शन लेक इज लोकेटेड इन विच स्टेट? इट इज एक्चुअली लोकेटेड इन वेयर इट शुड बी, ऑफकोर्स सेवेंथ का जो है हमारा यहाँ पे ऑप्शन सही नहीं दिया गया है एक्चुअली, बट द फेमस सुदर्शन लेक इज लोकेटेड इन कर्नाटका। ठीक है, डोंट वरी आई विल जस्ट करेक्ट द पीडीएफ। कई बार सवाल गलत होते हैं, इनफैक्ट जब मैं आपको ऐसे पढ़ा रही हूँ ना तो मुझे भी पता चल रहा है कि वेयर हमने बनाने में थोड़ी गलती की है। ठीक है, यू कैन जस्ट टेल मी अगर आपको ऐसे कुछ क्वेश्चंस जो हैं वो गलत मिलते हैं। एट देखते हैं द जातक स्वर अटेंडेंट। ठीक है, जातक को प्राकृत, पाली, संस्कृत और तमिल किस भाषा में लिखा गया था? तो इफ वी सी दैट जातक वर रिटन इन पाली लैंग्वेज, ठीक है, तो बी इज द राइट आंसर। नाइन्थ द हरी, ये बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है, द हर्षचरिता। हर्षचरिता जैसे कि वर्ड से ही आपको काफी आइडिया हो रहा होगा कि क्या है, अगर आप इसका संधि वीक्षित करेंगे वो ना हिंदी में दिया करते थे हम लोग। टेंथ अगर आपकी हिंदी रही हो, इलेवेंथ ट्वेल्थ में हो तो बहुत बढ़िया है। हर्षचरिता जो है वो बायोग्राफी थी हर्षवर्धन की, रूलर ऑफ कन्नौज। कंपोज्ड बाय हिज कोर्ट पोएट, ये कौन थे? बनावट्टा, हरिसेन, अश्वघोष और जयदेव। हर्षचरिता जो है वो कंपोज की गई थी बनावट्टा के द्वारा। ठीक है, इट्स अ बायोग्राफी ऑफ वन ऑफ द रूलर ऑफ कन्नौज नेम हर्षवर्धन एंड उनके कोर्ट पोएट थे बनावट्टा। प्लीज रिमेम्बर दिस, क्योंकि एक ही क्वेश्चन को अलग अलग तरीके से देते हैं, पता चला बनावट्टा ने क्या कंपोज किया था। ठीक है, वो आपको और नीचे बहुत सारे रूलर्स के नेम दे रहे, तो इट मे कन्फ्यूज यू। टेंथ देखते हैं, द क्वीन हु हैड इंडिपेंडेंट एक्सेस टू लैंड अगेंस्ट द प्रोविजन ऑफ संस्कृत लीगल टेक्स्ट्स, सलावती, विजया सत्तनी, प्रभावती गुप्ता या नसक्षना। हाउ कैन वी फॉरगेट अबाउट प्रभावती गुप्ता, क्योंकि ये सेकेंड चैप्टर से लेके फोर्थ चैप्टर तक मैंशन है। ठीक है, जितने भी वुमेन रोल से रिलेटेड जब बात आती है, एक्सेप्शनल केसेस की बात आती है, तो इनका नाम यहाँ पे मैंशन किया जाता है। Inscription that record gifts made to religious institutions are known as a eulogium inscription, votive inscription, horrific inscription or dedicatory inscription. जब भी inscription, जमीन या फिर कोई भी चीज religious institutions को दी जाती थी तो उसको votive inscription बोला करते थे। So B would be the correct answer here. 12th देखते हैं, numismatic is the study of. न्यूमिस्मैटिक स्टडी होती है किस चीज़ की? नंबर्स की, पॉटरी की, कॉइन्स की और स्कल्पचर्स की। तो इफ यू रिमेंबर वी हैव ऑलरेडी टॉक्ड अबाउट इट नंबर ऑफ टाइम्स, दीज आर द कीवर्ड्स जो आपको बुक के साइड में प्रोवाइड होते हैं और इन बिटवीन बुक यूज होते हैं ताकि आप उनको जो है समझ सको, हमेशा नोट डाउन करो। तो न्यूमिस्मैटिक जो है वो स्टडी होती है कॉइन्स की, सी जो है यहाँ पर सही होगा। 13 देखते हैं, द फर्स्ट कॉइन टू बियर द फर्स्ट कॉइन्स टू बियर द वर्ड issued by names and images of rulers, मतलब ऐसे पहले coins जिनमें rulers के name and images हुआ करते थे, तो ये कौन थे? गुप्ता rulers, मौर्य rulers, नंदास और इंडो ग्रीक।
इस वी विल सी इट केयरफुली द राइट आंसर इज इंडो ग्रीक. इंडो ग्रीक रूलर्स वर द फर्स्ट अमंग ऑल अदर रूलर्स जिन्होंने कॉइन्स में नेम के साथ साथ इमेजेस भी जो है वो इशू करवाना शुरू किया था. द फर्स्ट वन टू इशू द गोल्ड कॉइन्स वन. सबसे पहले जो है वो गोल्ड कॉइन्स किसने इशू किए थे? कुशाग्र ने, सातवाहन्स ने, पांड्यास ने और चोलास ने. फाइन, तो सबसे पहले जो गोल्ड कॉइन्स हैं दीज वर इशूड बाय एक्चुअली नन अनदर देन कुशाग्र. बट याद रखिएगा एक और जो है वो पूछा जाता है कि मोस्ट स्पेक्टेकुलर गोल्ड कॉइन्स अगर किसी ने इशू किए, मतलब स्पेक्टेकुलर से हमारा मतलब एकदम क्लीन और प्योर गोल्ड के, तो आप जल्दी से बताइए कमेंट सेक्शन में कैसे कौन से रूलर्स थे जिन्होंने एकदम बढ़िया से गोल्ड कॉइन्स इशू किए थे प्योर गोल्ड के. वॉट इज गांधा टिंडू? गांधा टिंडू होता क्या है? गांधा टिंडू जो है वो एक इंस्क्रिप्शन है, एक जातक है, प्रशस्ति है, श्रेणी है और या फिर गिल्ड है. तो रिमेम्बर गांधा टिंडू इज वन ऑफ द जातक जिसमें स्टोरी बताई गई है रिगार्डिंग दैट जब एक राजा वेश बदल कर लोगों के बीच में जाता था और पूछता था कि आप बताइए यहाँ का रूलर कैसा है. इट्स अ काइंड ऑफ आइडिया दैट रूलर यूज टू हैव कि भाई जनता क्या सोचती है उसके बारे में. फाइन, देखिए यहाँ तक हम सिर्फ 15 तक कर रहे हैं. आई एम नॉट गोइंग अहेड, लेट मी गिव यू 16 वन. हु डेसिफर्ड ब्राह्मण करोस्टी? टेल मी द कमेंट सेक्शन. कॉलिन मैकेंजा, जेम्स प्रिंसेप, डी सी सरकार और कनिंगम. ठीक है, एलेक्जेंडर कनिंगम. यू हैव टू टेल मी द कमेंट सेक्शन. I hope that you found this video informative. If yes, please do let me know in the comment section. आपको वहाँ पे जो है सारे details मिल जाएंगे. Description box में देखना, इसका आपको PDF link भी मिलेगा, as well as हमारे जो crash course के registration है वो भी शुरू हो रहे हैं. Number I am providing in the description box. You can just directly contact to me onto that number. Most probably हम आपको सबसे पहले demo class देंगे and then we would be having one query day as well, so you can call me anytime in order to ask if you wanted to prepare for your crash course. Thank you so much for watching it. Let's meet into our very next video. It was nice to meet you all. Bye bye.